की कोई आपकी याद हो ऐसी, या कोई शरारत हो जो आज देख के याद आई है कि उस टाइम में टीचर ने कोई पिटाई की हो या किसी के साथ लड़ाई हुई, कुछ भी बच्चों के साथ ना होता था उस टाइम में शरारत, कोई ऐसी याद हो जाए याद आज हो जाके यहाँ के टीचर थे हम यहाँ बैठे थे नीचे, तो उनको थोड़ा सोने की आदत थी, पढ़ते पढ़ते सो जाते थे, तो जो मेरे आगे था मैं उसकी पीठ पे ऐसे करने लगे, उसकी आंखुली पीछे जाके डंडा लगा, ये तो याद है। आप ही बता दो इनकी शरारत, ये तो आप तो बताएंगे नहीं, आपके साथ रहे हैं। हम तो घर में इकट्ठे पढ़ते थे, घर में आ जाए चार पांच लड़कों ने, मैं वही रात को चाय चुए पिलानी, मैं रात को जब छोड़ा है फिर किसी को घर छोड़ के ये करो वो। उस टाइम की हुई मेहनत आज रंग ला रही है, लगता है जैसे बिजनेसमैन बने हो आप, 2000 बंदा बोल रहे हैं आपके साथ काम कर रहे हैं, वो तो इसी दिन से काम कर। बहुत घट इदा के विद्यार्थी ने जोड़े व्डे अहद्या पहुँच के ज बिजनेसमैन बन के मुड़ तो अपने उ प्रायमरी स्कूलों उचरों याद रखन, तो इदा की मिसाल कायम करने वास्ते अज खिजराबाद का एक कस्बा जोड़ा कुराली के नज़दीक है, उतों के स्कूल जो कि समार्ट स्कूल गिणा जाता है, उत्थे शाम लाल बंसल पहुँचे जिन्होंने इतों पढ़ाई की, अज वे बिजनेसमैन ने दसिया जा रहा है कि पिंड वास्ते बहुत योगदान पाया, तो स्कूल पहुँचे ने, तो सर अज स्कूल पहुँचे हो, वो दिन पहला जो पहले दिन आए सी ते आज दिन बिजनेसमैन बन के आए हो, जहन च की सी? सब तो पहले मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाकर और मेरा हौसला अफजाई की, लेकिन मैं इस काबिल नहीं कि मैं तो यहाँ का एक विद्यार्थी रहा हूँ, वो इस गांव में पैदा हुआ, इस गांव की हर मिट्टी की खुशबू जो है उसको मैं लेकर आगे गया हूँ, और जो स्कूल पहले दिन आया था वो, और लेकिन आज आया हूँ तो ऐसा लगता है जो पहले दिन आया था आज नक्शा वही नज़र आ रहा है, क्यों वही नक्शे के साथ में स्कूल में, स्कूल जो था इस एरिया के अंदर जो उस टाइम गवर्नमेंट हाई स्कूल के नाम से था, इस एरिया में था, यहाँ से 15-15, 20-20 किलोमीटर के लड़के यहाँ पढ़ने आते थे, और हम सुबह यहाँ गाँव का चक्कर लगा के दूध बेच के चाय बेच के फिर स्कूल आते थे, फ़र्क इतना था, और आज भी वही महसूस हो रहा कि मैं वही हूँ और अपनों में खड़ा हूँ, अपने लोगों में, मेरे उस टाइम को जो मेरे बुजुर्ग सतपाल जी खड़े हैं, सतपाल बंसल जी हैं, सारे उस टाइम के इसी स्कूल से होकर गए हैं, और मैं आज आकर इतना अपने आप को लग रहा है कि मैं यहाँ से जो गया हूँ तो यहाँ की यादों को लेकर गया हूँ, यादें वैसे ही हैं, वही नज़र आ रहा है जैसे बचपन में था, भी यहाँ मैं खेला हूँ, यहाँ मैं पढ़ा हूँ, यहाँ मैं बैठा हूँ, यहाँ उठा हूँ, हर चीज़ हम साझा कर रहे थे अभी स्कूल में जाकर, भी आठवीं क्लास का ये कमरा था, टीचर इधर बैठता था, हमारे बेंच ऐसे होते थे, अगला कमरा नाइन्थ का ये था, टेंथ का ये हो गया, तो कमरे भी बढ़ते गए, हम भी आगे बढ़ते गए, उसके बाहर बाहर निकल गए, वो यादें आ रही थी। तो हैदराबाद के स्कूल को अभी स्मार्ट स्कूल का दर्जा दिया गया है, यहाँ पर आपने जैसे देखा है कि तस्वीर ही बदल गई है, हर चीज़ सहूलत है बच्चों के लिए, कैमरे लगे हुए हैं, पढ़ने के लिए ग्राउंड अच्छे हैं, तो उस टाइम में पढ़ाई करना कितना मुश्किल था जिस टाइम में आपने की है, या आज के टाइम में बच्चों के लिए कितना सुखाला है? उस टाइम में पहली से लेकर छठी क्लास तक तो बाहर ही बैठा जाता है, कोई माड़ी के ऊपर बैठ गया, कोई जाके यहाँ पेड़ आम के नीचे बैठ गया, कोई पिपल के नीचे, ऐसे क्लासें लगा करती थी, कोई भट्टे पे बैठ गया, तो ऐसे होती थी, छठी क्लास के बाद एक कमरे मिला करते थे, तो उस टाइम की पढ़ाई और आज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, उस टाइम के लड़के मेहनत करके स्कूल आते थे, या तो पैदल चल के आते थे या अपने काम घरों के करके आते थे, आज के बच्चों को वो फैसिलिटी इतनी मिल गई माँ बाप की तरफ से, कि जिसने दूर से भी आना मोटरसाइकिल पर आना गाड़ी में आना, उसको पता नहीं भी मैं 15 किलोमीटर से आ रहा हूँ कितने से आ रहा हूँ, और जो काम करके क्यों, उनको माँ बाप ने काम करके तो पढ़ सिर्फ, तो नशों में ना पढ़ें तो उसके लिए बहुत अच्छा मौका है, हमारे टाइम में तो मेहनत करके पढ़ा जाता था, इनके टाइम में मेहनत माँ बाप करते हैं पढ़ाने के लिए, लेकिन बच्चे अगर अच्छी जाए तो ये बहुत आगे बढ़ सकते हैं, इन्हीं में से इंडस्ट्रियलिस्ट बन सकते हैं, हमारे को तो नॉलेज नहीं थी, हमने मेडिसिन की फैक्ट्रियाँ लगा रखी हैं, हमें नॉलेज नहीं थी दुकानें वहाँ जाके चला ली, हमें नॉलेज नहीं थी हम कॉन्ट्रैक्टरशिप भी करने लगे, तो ये क्या है, मेहनत अपनी सोच है भी हमने अपने आप को कहाँ लगाना है, वो हमने की, और जिससे आज 2000 आदमी के पास हमारे तीनों भाइयों के पास काम करते हैं लोग, और 2000 परिवारों को हम रोज़गार दे रहे, हम नहीं दे रहे, ये दे रहा परमात्मा एक हमारे माध्यम से दे रहा है, हमारी तो औकात नहीं थी लेकिन हमारे माध्यम से जो भगवान ने बनाया तो सबको दे, तो बच्चों सबको यही कहूँगा
कि नशों का रास्ता छोड़ के और देश की उन्नति के लिए, प्रदेश की उन्नति के लिए, अपने गांव का नाम रोशन करने के लिए जो शिक्षा मिलती है, ये मॉडल स्कूल देखे इतनी खुशी हो रही है कि हमने तो कभी सोचा नहीं था ऐसा भी स्कूल होगा। क्यों, प्राइवेट है, प्राइवेट लूट रहे हैं, उनकी फीसें जाकर देखो, आपको एक साल में लाख सवा लाख रुपये एक बच्चा माँ बाप दे सकता नहीं दे सकता, और यहाँ से उसको मिले ना, लेकिन आज यहाँ मिल रही है, वहाँ शायद ना मिले, संस्कार यहाँ मिलेंगे और पैसे लुटाई जो प्राइवेट में होगी। मैं यही कहूँगा गवर्नमेंट स्कूल जो हों ऐसे ही हों, और गवर्नमेंट स्कूल हरियाणा में देखो वहाँ तो हर शहर में हर जगह ऐसे ही मॉडल स्कूल है, वहाँ जो एडमिशन है वो विस्तार से होने लगी जो गवर्नमेंट स्कूलों में, प्राइवेट में पैसे से होती है, वहाँ गवर्नमेंट में अप्रोच से होती है, तो ऐसे होना चाहिए। स्कूल की कोई आपकी याद हो ऐसी, या कोई शरारत हो जो आज देख के याद आई है कि उस टाइम में टीचर ने कोई पिटाई की हो, या किसी हाथ लड़ाई हुई, कुछ भी बच्चों के साथ ना होता था उस टाइम में शरारत, कोई ऐसी याद हो जाए याद आज हुई आके यहाँ? हमारे कबड्डी के टीचर थे, हम यहाँ बैठे थे नीचे, तो उनको थोड़ा सोने की आदत थी, पढ़ते पढ़ते सो जाते थे, तो जो मेरे आगे था मैं उसकी पीठ पे ऐसे करने लगे, उसकी आंखों के पीछे जाके डंडा लगा, ये तो याद है। उस टाइम के बीच में कैसे देखते हो कि शरारती थे आप जब पढ़ने में सबसे आगे थे, क्योंकि ये याद तो अब आती है आके कि उस टाइम में पढ़े होंगे तभी आज बिजनेसमैन बने होंगे। शरारती होना अच्छी बात है, बचपन में शरारती कर कब करेंगे, पढ़ने में भी हम अच्छे थे, पाँच छः लड़के थे, उसमें सुरेंद्र जी भी हैं, इन्होंने तो आठवीं तक वजीफा लिया, हम चौथी में भी वजीफे के लिए गए, पास हो गए, हाँ ये इकट्ठे पढ़े और इसको वजीफा भी लगे, उसके बाद फिर वो कैंसिल हो गया, दोबारा हम फिर पाँचवीं में गए, फिर चंडीगढ़ गए थे हम 23 सेक्टर में, तो हमें होशियारों में गिना जाता है, हमें टीचर अलग से हमें अपने घरों में बुलाते थे फ्री, कोई पैसा नहीं लेना, लेकिन वो बोलते भी यहाँ बैठ के पढ़ो और आपने वजीफा लेकर आना, तो फतेह सिंह जी होते थे, दर्शन मास्टर जी होते थे, ये अपने घरों में बुलाते थे। हाँ सर आप ही बता दो, इनकी शरारती तो आप तो बताएंगे नहीं, आपके साथ रहे हैं, हम तो घर में इकट्ठे पढ़ते थे, घर में आ जाना चार पांच लड़कों ने, वह वही रात को चाय चुए पिलानी, वह रात को जब सोना है फिर किसी को घर छोड़ के ये करो वो। उस टाइम की हुई मेहनत आज रंग ला रही है, लगता है जैसे बिजनेसमैन बने हो आप, 2000 बंदा बोल रहे हैं आपके साथ काम कर रहे हैं, वो तो इसी दिन से काम कर रहे हैं। बच्चों को क्या संदेश दोगे सर जाते हुए अभी, कि जो बच्चे अभी आपको सुनेंगे भी यहाँ पे, आपके भाषण भी सुनेंगे, उसमें आप क्या बोलोगे सबसे ज़्यादा, कि क्या बच्चों को अपने आप सेव करके रखनी चाहिए चीज़ की जो आज उनके काम आए? बच्चों को सबसे है अपना जब एजुकेशन का टाइम है तो अपने टीचर की बात मानकर अपने माँ बाप का ध्यान रख के एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए, उनको जब एजुकेशन में ध्यान दोगे यहाँ स्कूल के संस्कार लेकर उससे आगे बढ़ना चाहिए, और जो उसका लक्ष्य है उसी तरफ देखना चाहिए, मैंने इंडस्ट्रियलिस्ट बनना, मैंने IAS बनना, HPS बनना, जो भी बनना वो लेकर जाएं, और जहाँ तक दूसरी बाहर की बात, बाहर का रंग रूप ना देखें, एक तो नशों ने लोग बिगाड़ रखे हैं, तो आजकल के मोटरसाइकिल 100 रुपये का एक तो डीजल पेट्रोल डलवाते हैं, उसके बाद शरारतें करके घर को आते हैं, कोई ना कोई झगड़ा लेकर आएंगे, माँ बाप दुखी होंगे, 100 रुपये अभी बचेगा, एजुकेशन भी मिलेगा अगर ध्यान देंगे, और घर के माँ बाप का नाम रोशन होगा, गाँव का नाम रोशन होगा, वो हमारा एक लक्ष्य है, होना भी चाहिए, उसके लिए बच्चों को आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बड़ी गल है कि देखो जदों पहला दिन स्कूल से जदों अंदर एंटर हुए ने, तो अज स्वागत होया, तो अपनी पुरानी यादा देख के ताज़ा कीतियां ने, अखां दे विच हंझू भी देखने मिल रहे कि दिल रोंदा है जदों वह दिन देखते हैं, जो अज्ज का खुशी का दिन देखते हैं, तो मैडम किवें देखते हो कि साडा सपना सी पिछले दिन जदों इंटरव्यू की है कि जदों बच्चे इत्थे कुछ बन के आते वो खुशी वध हुंदी है, तो अज्ज तुहाडे वास्ते भावें कि उम्र के बराबर होण स्टूडेंट है। हाँ जी हाँ जी, मैनू पहला तो मैं HN1 न्यूज़ के थ्रू सबनों मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल। जदों अज असीं इन्हां नूं अपने विच एक पुराने स्टूडेंट नूं स्कूल विच आए देखदे आं, सानूं माण महसूस हो रहा मैनूं कि मैनूं परमात्मा ने उस स्कूल विच सेवा करन भेजिया जिथों दे विद्यार्थी इन्ने काबिल सीगे कि उन्होंने अपनी मेहनत नाल एक मुकाम हासिल किया, तो पिंड दा स्कूल दा नाम बुलंदियां ते लैके गए, तो इन्होंने साढ़े नैचुरली जिथे जिथे जाना स्कूल दा नाम नाल खिजराबाद दा जाना है, तो पिंड दा जाना है, तो इन्होंने सानूं माण महसूस करवाया स्कूल नूं भी ते पिंड नूं भी सानूं, ते मैनूं अगों मैं उम्मीद करदी हाँ कि मैं बच्चों नूं इन्हां तों मोटीवेशन, अज मैं मोटीवेशनल स्पीच भी दिलवानी है, सो दैट इन्हां तों मोटीवेट होकर अगों भी मेरे स्टूडेंट एवें ही उच्चे उच्चे मुकामां ते पहुँचन, ते वह भी आके फिर एवें कदे चीफ गैसट बन। बहुत बड़ी गल है, देखो कि प्रिंसीपल हमेशा ये सोचते हैं कि बच्चे पढ़ लिख के अगे बड़े अफसर बन, बिजनेसमैन बन, तां करके उन्हां दी मेहनत सफल हुंदी है, ते राणा कुशलपाल जी साडे नाल ने समाज सेवी
लगता कि समाज सेवा जी की अज रंग लिया रही है स्कूल में उच्च पद्धर से बनाने वास्ते थोड़ा बहुत वाला योगदान मनिया जाता है। बड़े बड़े मंत्रियों बुला समाज सेवी ने बुला अच्छ जो वो विद्यार्थी अंदर एंटर हों जो इतों पढ़ के गया तो बिजनेसमैन के रूप अंदर आया तो की महसूस होया थो अज मैं जो अपने मन की गल दसा मैं बड़ी खुशी हुई कि साढ़े अंकल जी साडा बड़ा पुराना मेरे फादर साहब ने बाहे तो हर बारी इलैक्शन भी जाते हैं तो मैनू बड़ी मन होया भी साढ़े अंकल जी आए तो उन्हें साड़ा काम भी देखिया स्कूल देखिया तो अपनी पुरानी यादा भी ताजिया करिया तो सानू इन्हां वल्लों अज आस भी है तो साडे स्कूल दे कोई अपनी यादगारी छड्ड के जाऊंगे अज उरे तो जो साड़ी कमियां रह गई मैडम दे कोई सपने रह गए है उन्होंने अज ये पूरे करके जाऊंगे मैनू भरोसा है तो मैं इन्ना ही टाइम थोड़े होने करके अंकल जी का तहे दिलो धन्यवाद करता अपने दे इत्थे आण तो इन्हां दा तो इन्हां ने साढ़े अंकल जी बैठे खिजराबाद आए वे इन्हों का भी तो नाल उन्हें मित्र जी उन्हों का भी तहे दिल तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता वाहिगुरू खालसा जी। ठीक है तुसीं देख सकते हो कि हर बंदा अज जिहड़ा वेलकम कर रहा है उस विद्यार्थी का जिन्होंने शुरू तो इत्थे पढ़ाई की है तो उस तो बाद जो अज बिजनेसमैन बन के आते हैं पूरे स्कूल वालों स्वागत किया गया समाज सेवी वालों स्वागत किया गया तो उस विद्यार्थी ने आ के शुकराना किया कि परमात्मा ने मुड़ तो मैं दर्शन करवाए ने उस स्कूल के जितों मैं पढ़ाई शुरू की सी ते बहुत घट लोग होंगे ने बहुत घट विद्यार्थी होंगे ने जोड़े बिजनेसमैन या नेता बन के उस तो बाद स्कूलों अपने पुराणों को याद रखन तो वह मिसाल अज इन्हां श्याम लाल बंसल जी ने कायम की है तो असं भी उम्मीद करते हैं थोड़ा भी खबर वधिया लगे वो तो शेयर कर दौ कि होर भी जो लोग देख रहे नेता देख रहे हैं जां बिजनेसमैन देख रहे हैं वह भी एक बार अपने पुराने स्कूल में अपन पुरानी यादा ताज़ा करके जरूर आओ। थोड़े कैमरामैन मनोज के नाल हरतेज सिंह तेजी एच एन वन न्यूज़ कुराड़ी।